हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आप इमेज के में ही देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड मैं कुछ आपको चीज़ें बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टाइपिंग चल रही उस चीज़ से रिलेटेड मैं दोनों आज के डेट में हुई जो आपके क्लर्कियल ग्रेड सेकेंड की टाइपिंग हो रही, तो आज का दोनों पेपर मेरे पास में है फ्रेंड्स। अभी कुछ टाइम में मैं उसको आपके साथ रिप्रेजेंट करूँगा, उससे रिलेटेड सारी चीज़ बताऊँगा। और फ्रेंड्स, 2 से 3 स्किल में बता रहा हूँ जिसको करके आप 100% गारंटी है कि आप कि जो टाइपिंग स्पीड है कंफर्म आप उसको स्ट्रोक मार के आओगे वहाँ पे और फुल्ली तरीके से आप टाइपिंग में पास हो जाओगे। तो फ्रेंड चलिए वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो आपको आसानी से सबसे पहले मिलते रहें। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के समय फ्रेंड्स 2 से 3 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जिसको आपको केयरफुली ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टाइपिंग टेस्ट दिखाएंगे कि किस तरीके से टाइपिंग टेस्ट आया गया है, स्टेनोग्राफर का टाइपिंग टेस्ट है, वो सब सारी चीज़ें आपको बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स सीधा टाइपिंग टेस्ट पे चलते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर दिया मैंने, लेकिन फ्रेंड्स जो भी मैटर मिला था ठीक है फ्रेंड्स, वो काफ़ी रिजोल्यूशन उसका काफ़ी अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने पूरे मैटर को अपने हाथ से पूरा टाइप कर दिया है जो भी उसमें मैटर था, तो एक जगह पर इरर भी नहीं मिलेगी आपको। और यही एग्जैक्ट मैटर आया था आपके वो एग्ज़ाम में फ्रेंड्स। जो 2-3 वर्ड है, अगर जो 3 रूल्स आपको जानने हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता होता एग्ज़ाम के पहले उसके अकॉर्डिंग रूल, अचानक एग्ज़ाम में हॉल में आपको 10 से 5 रूल एक्स्ट्रा बता दिए जाएँ, तो आप उसी टाइम सडन टाइम में आपको डिप्रेशन में आ जाते हैं कि इतने इतने रूल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या करना है। इससे पहले एग्ज़ाम देने के पहले आप सारी चीज़ जान लो। सबसे पहली चीज़ है फ्रेंड्स, आपके हिंदी का जो मैटर है काफ़ी आसान आ रहा है फ्रेंड्स। वो 10 मिनट का टाइमिंग है, 25 वर्ड पर मिनट आपको मारना है इसकी स्पीड टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो है जो रूल्स के अकॉर्डिंग है जितना आपको लाना है ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मार्किंग की जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने नोट के फॉर्म में दे रखा है, ये आपको क्लासरूम में बताया जाएगा, नहीं भी बताया जाएगा तो आपको ये पेज में मिलेगा लिखा हुआ ऊपर ही, टाइप राइट द फॉलोइंग पैसेज। सेकेंड में है री टाइप द पैसेज इफ़ यू कंप्लीट वंस। फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिर से इसको ये मार्क कर दे रहा हूँ। अगर आप गिवन टाइम में जो 10 मिनट का आपका टाइम है फ्रेंड्स, अगर उसके बीच में ही आपका ये टाइपिंग टेस्ट हो जाता है तो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर रुकना नहीं, आपको वहाँ पर बैठना नहीं, इस टाइपिंग टेस्ट को फिर से आपको कर देना है ठीक है फ्रेंड्स। उससे आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि अगर किसी जगह पर आपकी कई सारी गलतियाँ, जैसे 25 वर्ड पर मिनट मांगा है तो आप 10 मिनट में 250 वर्ड करोगे, इसमें पूरे जो हिंदी है आपका 260 वर्ड है, अभी मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़। उससे रिलेटेड अगर 300 वर्ड से भी ज़्यादा क्रॉस कर गए आप वो 10 मिनट में, तो आपके लिए वो प्लस पॉइंट होगा। चलिए फ्रेंड हिंदी के लिए जो पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ आपको, सेम प्रोसेस आपका इंग्लिश में होगा, पहले हिंदी में डिस्कस कर लेता हूँ फिर उसको। फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं मैटर आपका काफ़ी आसान आ रहा है ठीक है फ्रेंड्स। आपको जो बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है अब इलाहाबाद जुडिशरी ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद का ही इमेज है ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और जो मैं रूल्स में बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर वहाँ पर जो आपका टाइपिंग मैटर उसमें किसी भी तरीके का एरर है, तो उस एरर के जैसे ही आपको भी टाइप करना है, वहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी चीज़ इनपुट नहीं करनी है ठीक है फ्रेंड्स। और किसी भी बात का डिप्रेशन नहीं लेना है ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ और मैं बता दूं, जिन लोगों का कल एग्जाम है ठीक है फ्रेंड्स या अपकमिंग डेट में है, तो 24 आवर्स से पहले ठीक है, अगर हो सके तो 18 से 20 घंटे पहले वो अपना टाइपिंग टेस्ट क्लोज कर दें। टाइपिंग टेस्ट आपको नहीं करनी, ताकि हाथ की कलाई या जो व्रिस्ट है आपको उनको अच्छे खासे आराम मिल जाए और आपको अच्छी खासी नींद लेके जाना है ठीक है। ये छोटे छोटे माइनर पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपकी टाइपिंग स्किल काफ़ी इंक्रीज हो सकती है फ्रेंड्स। और एग्जाम हाल में आपको ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करनी, ये सब सारी चीज़ें आपको माइनर पॉइंट को ध्यान रखना है ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं इस टॉपिक को बता देता हूँ, काफ़ी आसान आ रहा है हिंदी का, इंग्लिश में थोड़ा सा इंक्रीमेंट है, वो भी चीज़ मैं बताऊँगा, स्किल बताऊँगा कि कैसे करना उसको। श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन ठीक है फ्रेंड्स मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। पूरा मैटर आपको देख के, ये अगर मैटर पढ़ूंगा तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स टाइम लग जाएगा, लेकिन मैटर अकॉर्डिंग अगर मैटर आप देख पा रहे होंगे तो ये काफ़ी आसान मैटर था ठीक है फ्रेंड्स। वो गिवन टाइम में आप अच्छे खासे कर लोगे और आपके पास ये 1 से 1.5 मिनट का टाइम भी रहेगा, तो आप इस चीज़ को रिपीट भी कर लोगे। अपनी गलतियां जो बैक स्पेस है, कोशिश करना फ्रेंड्स कि गलतियाँ कम करें ठीक है फ्रेंड्स। आपकी स्पीड जो रहेगी वो थोड़ा सा मीडियम में रखना है, गलतियाँ कम करें, क्योंकि आपका जो बैक स्पेस होगा एक लिमिटेड में दिया गया होगा, उसके ऊपर आप करेंगे तो वो आपको शो तो नहीं करेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी मार्क्स काटे जाएंगे ठीक है फ्रेंड्स।
इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो ज़्यादा जितना से हो सके कम ही बैक स्पेस आपको यूज करना है और आराम से करना है, मीडियम स्पीड के साथ में करना है ताकि ज़्यादा गलतियाँ ना हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आप सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे कि हिंदी का जो मैटर है वो काफ़ी आसान है। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से बढ़ते हैं हम आपके इंग्लिश मैटर में, जो कि थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट में दिख रहा होगा। टाइम 10 मिनट का इसमें भी रहेगा, 10 वर्ड पर मिनट आपको इसमें भी टाइप करने पर। लेकिन फ्रेंड्स, आज का जो पेपर हुआ है, जो इवनिंग शिफ्ट का या मॉर्निंग शिफ्ट में, दोनों सेट में जो इंग्लिश था फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट में जो वर्ड हैं थोड़े से बड़े आ रहे हैं। इसके लिए जो मैं स्किल आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको जो मैटर है वो आपको धीरे धीरे टाइप करना है। एक्चुअली फ्रेंड्स, क्या है कि ये जो मीडियम स्पीड में करना है कि ये जो इंग्लिश का मैटर है वो पूरा आपको नहीं दिया जा रहा है। 260 वर्ड, 270 वर्ड या 280 वर्ड ही दे रहे हैं, टोटल 300 वर्ड नहीं दिया जा रहा है। दैट्स मीन आपको मीडियम स्पीड से इसको टाइप करना है और फिर से इसी मैटर को रिवाइज करना है ताकि आपको 300+ वर्ड हो सकें फ्रेंड्स, ताकि ये जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। तो ये रहे छोटे छोटे टॉपिक्स वर्ड, यहाँ से मैं एक दो लाइन, दो तीन लाइन आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ अ मैसेज बिटवीन अ सेंडर और रिसीवर। अ कम्युनिकेशन डिवाइसेस नाउडेज इज कॉमनली यूज थ्रू आउट। फ्रेंड्स, इस बड़े वर्ड के साथ में एक अच्छी चीज़ आपको ये मिल रही है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया, स्पेशल करेक्टर इसमें नहीं डाले गए। तो इसलिए ये चीज़ें आपकी अगर मीडियम स्पीड से करोगे तो आराम से 10 मिनट में हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में एक चीज़ मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि जो आपकी स्पीड है वो मीडियम ही होनी चाहिए, किसी तरीके से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। और अभी जिन लोगों का कल है एग्ज़ाम, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो अभी से टाइपिंग को छोड़ दें, ठीक है, ताकि वहाँ पे अच्छे खासे तरीके से आ सके। और जिनका परसों है वो कल मॉर्निंग में करके अपना एक दो टेस्ट देके ये जो टाइपिंग वो है टेस्ट है अपना छोड़ सकते हैं। और परसों फिर सेम वही चीज़, और ये सारे रूल्स जो पहले फ्रेंड्स मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ताकि ये अगर चीज़ें पहले प्री डिफाइंड होती हैं, पहले आपको पता है, तो वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये सभी वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत से इसको टाइप करके मैंने बताया आप सबके लिए, काफ़ी दोस्तों का, काफ़ी बच्चों का कॉल आ रही थी कि सर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ टिप्स दे दीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम में जो दे के आए हैं, कई लोगों का ऐसा हुआ कि वो बीच में ही टाइपिंग उनकी रुक गई या लाइन भूल गई। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं लास्टली मैं भूल ही गया था, वो आपको बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम हाल में जो आपको क्या करना, जो पेपर मिलेगा आपको, आपको जो आपके टीचर वगैरह रहेंगे वहाँ पे, गाइडर रहेंगे, उनसे एक चीज़ पूछ लेना कि सर मैं इसके बगल में नंबरिंग कर सकता हूँ क्या, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर लाइन ये 10 से 12 13 14 इतने ही लाइन के होंगे, तो बगल में आपको 1 2 3 4 करके जाना, क्योंकि बीच बीच में टाइप करते समय अगर ध्यान आपका डेस्कटॉप की तरफ जा रहा है तो फ्रेंड्स बीच में प्रॉब्लम सबके साथ ये हो जा रही है कि वो लाइन भूल जा रहे हैं और उसको ढूंढने के चक्कर में काफ़ी टाइम आपका बढ़ जा रहा है, काफ़ी टाइम ले जा रहा है। इसलिए आप अगर पूछ लें, अगर उनकी परमिशन होती तो आप उसके बगल में नंबरिंग भी कर सकते हो। कुछ लोगों ने ऐसा किया है जिनको काफ़ी उसका अच्छा रिजल्ट मिला, वो लाइन नहीं भूले, इसलिए उसने उन लोगों ने अपने टाइपिंग स्किल को, टाइपिंग स्पीड को अच्छे खासे तरीके से स्टोक करके आया। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को क्लोज करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आ गया। इतनी इन्फॉर्मेशन और थोड़े से मेहनत के बाद मैंने इस सारी चीज़ को क्लियर किया। काफ़ी सारे बच्चों दोस्तों का फ़ोन आया था कि सर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दीजिए मैटर के साथ में, ताकि और सारे दोस्तों को ये सब जो नए नए रूल्स इसमें लगाए जा रहे हैं वो चीज़ पहले ही पता हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने का आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट जुडिशरी ऑफ हाई कोर्ट क्लर्क एयर गेट टाइपिंग स्किल। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।